ये देख रहे हैं आपको, ये पूरा यहाँ पे पहले उस टाइम में बुलेट मारे थे, तो ये पूरा एकदम देखिए छेद हो चुका है पूरा सा आपका। गोल्डन टेम्पल बहुत बढ़िया सा अच्छा सा देख रहे, और यहाँ पे आपका मछली भी आपको तैरते हुए देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ विनोद तमंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल विनोद तमंग चैनल में। तो भगवान जी का नाम लेके जय हिंद जय गोरखा कह के आज का ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ आपका, ये है जालियांवाला बाग, जो आपने सुने होंगे अंग्रेज़ लोग ने बहुत जन को यहाँ पर गोली मार के वहाँ पर एक कुआ है, वेल है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ आपका शहीद भगत सिंह के स्मारक के वहाँ पर स्ट्रीट के वहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो इस टाइप का आपको यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना। मैं दिखाता हूँ कौन सा नाम है जो शहीद हुए थे, ये आप देख रहे हैं प्रीतिपाल सिंह, ये आपका प्रीतिपाल सिंह का, ये आपका जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका जो जितने भी शहीद हुए थे उन लोग को याद में ये बनाया गया है, देख रहे ना। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे आपका वहाँ पे एक आपको जो पता ही है जो कूप है, वेल, जहाँ पे बहुत जन अपने गोली से बचने के लिए उस पर जंप किए थे, तो वहाँ भी मैं जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। होप सो आपको आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आएगा। सो बने रहे मेरे साथ इंडियन गोरखास ऑल इंडिया राइट ब्लॉग वीडियो पर। तो दोस्तों जो भी आप देख रहे हैं जहाँ पे मार्क लगाया हुआ है वो था पहले बुलेट, जितने भी बुलेट फायरिंग किए थे, तो यहाँ पे आपका जितने भी मार्क लगाए सब ये बुलेट का है, ठीक है। तो देखने को मिल रहा है आपको, ये कहाँ तक मैं देखने की कोशिश करूँगा, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये पूरा यहाँ पे पहले उस टाइम में बुलेट मारे थे, तो ये पूरा एकदम देखिए छेद हो चुका है पूरा सा, देख रहे हैं ना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आगे की ओर। मैं फ़िलहाल वॉक कर रहा हूँ आगे की ओर जा रहा हूँ, तो जहाँ पे जो अंग्रेज लोग ने जब गोली मारे थे तो उन लोग अपने जान बचाने के लिए एक कुआ के अंदर जंप किए थे, तो उस कुआ के सामने मैं जाने की कोशिश करूँगा, और वहाँ का भी जितना भी व्यू है मैं आपको कैप्चर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी बढ़िया से वॉक कर रहा हूँ, होप सो आपको पसंद आ रहा होगा जालियांवाला बाग का जो नज़ारा। तो मैंने किताब में पढ़े थे और कितने बार यूट्यूब में देखे थे, तो आज फाइनली यहाँ पे आके देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं गैलरी के अंदर आ चुका हूँ, तो और के यहाँ से आपको देखिए गैलरी आपको देखने को मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं सब जन यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, गैलरी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका गैलरी अंदर जो आपको देखने को मिला, अब जब अंदर आओगे तो इस टाइप से आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, ओके। तो देखिए गाइस, इस टाइप का पहले इस अंग्रेज लोग ने काम खराब किया था। तो चलते अब आगे की ओर, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आपका जो कुआ जिसमें शहीद हुए थे बहुत हिंदुस्तानी, तो वहाँ भी वो थोड़ा सा आगे है, मैं आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ वो कुआ जहाँ पे बहुत जन ने अपने जान दिए थे, शहीद हुए थे इस एरिया में। देखिए ये कुआ है जो आप देखने को मिल रहा है, ओके गाइस। तो इस कुआ में सोचो उस टाइम में कितने जन ने अपनी जान गंवाए थे, ओ माय गॉड, तो सोच के भी कैसे कैसा लग रहा है मेरे को, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पैसे भी डालते हैं, दान करते हैं पैसे भी, जो आपको देखने को मिल रहा है, ओ माय गॉड, ठीक है। एक राउंड लगा चुका मैं, यही कुआ है जो आपको देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ आपके बीचों बीच ये ग्राउंड के, तो
बहुत अच्छा लगा यार, देखने में बहुत बढ़िया है और दुख भरी कहानी भी है। तो दुख भी लगा और क्या करें, जो नसीब में लिखा हुआ होता, जो किस्मत में होता है वही होता है कि नहीं। वो आपके और हमारे बस में नहीं है, उस टाइम वैसे होना था सो हो गया। बहुत सारे शहीदों के योगदान से, बलिदान से आज हमारे भारत देश आज़ाद भी हो चुका है। जैसे आपको पता है अभी हम लोग चैन के सांस लेके आगे की ओर बढ़ पा रहे, ये सब है वही सब शहीदों के योगदान से। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए अभी फिलहाल मैं हूँ इस एरिया में, ये जो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से आप चलते हैं थोड़े आगे की ओर। सो यहाँ पे ज़्यादा गीत बज रहा, पता नहीं कॉपीराइट आ सकता होगा मेरे में। तो बने रहे मेरे साथ इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑल इंटरनेट ब्लॉग वीडियो पर। बहुत गर्मी है लेकिन अंदर अंदर ना उतना, मतलब रुख है नज़दीक, छाया तो है तब भी थोड़ा गर्मी का महसूस तो हो रहा है मेरे को। क्योंकि क्या बोले, इस ये ग्राउंड को चारों ओर से बिल्डिंग से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हवा आने को उतना मिल नहीं रहा है। और ऊपर जो रुख के जो टॉप में तो आपका पत्ता हिल रहा है, वहाँ पर हवा आ रहा है, लेकिन नीचे आपको हवा आने को नहीं मिल रहा है। तो इसी कारण से थोड़ा गर्मी हो रहा है। तो आप यहाँ से हम लोग निकलेंगे गोल्डन टेम्पल के वहाँ पे। तो गोल्डन टेम्पल का भी जितना व्यू होगा मैं कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जलियांवाला बाग से बाहर की ओर आ चुके हैं। जैसे आप जलियांवाला बाग से बाहर आओगे ना, तो आपको यहाँ पे इस बढ़िया से मार्केट देखने को मिलेगा, सेम माल रोड की तरह। तो यहाँ से अब हम लोग फिलहाल जाएंगे अभी आपका होटल की ओर। तो थोड़ी देर में आपको टेम्पल भी देखने को मिलेगा, मैं गोल्डन टेम्पल भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके सो बने रहिए मेरे साथ इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑल इंटरनेट ब्लॉग वीडियो पर। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ आपका गोल्डन टेम्पल के अंदर। तो बहुत यहाँ पे अच्छा है, बहुत सुकून देखने को मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गोल्डन टेम्पल, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, देख रहे हैं ना, वो है आपका गोल्डन टेम्पल। बहुत बढ़िया सा, अच्छा सा देख रहे। और यहाँ पर आपका मछली भी आपको तैरते हुए देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया सा और बहुत बढ़िया व्यू है। देखिए यहाँ पे उतना वीडियो अलाउड तो है नहीं, थोड़ा सा अलाउड है, इसलिए थोड़ा सा अलाउड मेरे को दिया हुआ है 4-5 मिनट के लिए। तो ये है आपका बढ़िया सा गोल्डन टेम्पल। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियोग्राफी उतना अलाउड है नहीं, इसलिए थोड़ा सा 3-4 मिनट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो होप सो आपको पसंद आएगा आज का ये ब्लॉग वीडियो। बने रहिए मेरे साथ इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑल इंटरनेट ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस देखिए अभी आपको यहाँ पीछे से देखने को मिल रहा है बहुत बढ़िया सा व्यू, देख रहे हैं ना, बहुत मस्त। तो हम लोग अभी फिलहाल गोल्डन टेम्पल से बाहर आ चुके हैं होटल के, और जैसे देख रही है होटल में आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको गोल्डन टेम्पल दिखाने की कोशिश करूँगा। इस होटल के सामने है लेकिन वहाँ पर अंदर ना उतना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसी कारण से मेरे को वहाँ पर उतना वीडियोग्राफी करने को मिला नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख रहे ना। तो जस्ट होटल के सामने ही आपको गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा। तो जितने भी आपने देखे अच्छा लगा होगा गोल्डन टेम्पल, बहुत बढ़िया सा है। आप आइए दर्शन करिए, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। ये है आपका अमृतसर में। तो हम लोगों को तो बहुत बेस्ट लगा, जगह बहुत बढ़िया था और मछली भी बहुत अच्छा सा देखने को मिला। तो हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल जाएँगे दिल्ली की ओर। तो दिल्ली में स्टे करके उसके बाद फिर हम लोग मैं आगरा होते हुए फिर आगे बढ़ते जाऊंगा। तो उसके बाद में आप फिर मेरा नॉर्थ ईस्ट का पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। सो बने रहिए मेरे साथ इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑल इंटरनेट ब्लॉग वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और मेरा कहना है वही है कि आप लोग नाइस वीडियो, वाव वीडियो, लवली वीडियो की जगह आप जय गोरखा जय हिंद के कॉमेंट करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप लोग कमेंट में प्लीज़ जय हिंद जय गोरखा का कमेंट करिए, तो मेरे लिए वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज़।